कोटे से अब तेजस्वी यादव के सिंगर बनने से बीजेपी को एतराज है क्या? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी तेजस्वी यादव के गाना गाने के बाद से लगातार तेजस्वी यादव को ट्रोल करती दिख रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सूर्य महोत्सव में गायक अभिजीत के साथ तेजस्वी यादव ने गाना गाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी के पोस्ट पर रिट्वीट करते हुए हमला बोला और कहा कि किसी सिंगर के साथ गाना गाकर बेसुरे को भी सुर का एहसास हो जाता है। यहाँ बिहार में बिगड़ती हुई हालत में महागठबंधन की राजनीतिक सुर नहीं मिल रही। गाने के बोल तेजस्वी यादव की राजनीतिक मजबूरी को दिखा रहे। दरअसल आपको बता दें, निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि ये गाना तेजस्वी यादव की राजनीतिक मजबूरी को परिलक्षित करता है। बड़ी मुश्किल है और दिल बहलाने के लिए गाने का ख्याल अच्छा है। अभिजीत गायक हैं तो उनके सुर में किसी बेसुरे को भी सुर में होने का एहसास हो सकता है। बिहार की बिगड़ती हुई हालत में महागठबंधन का राजनीतिक सुर नहीं मिल रहा। वहीं आपको बता दें, निखिल आनंद ने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला। निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी राजनीति बिहार की जनता की बीमारी है। उनकी राजनीतिक धोखाधड़ी के शिकार लोगों की सूची में जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, शकुनी चौधरी, अरुण कुमार, सतीश कुमार, भोला सिंह, पीके सिन्हा, फिर भाजपा और अब आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा। लिस्ट बहुत लंबी है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सूर्य महोत्सव समारोह में बतौर अतिथि मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। वहीं मंच पर गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपनी गायन कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी प्रस्तुति के दौरान अभिजीत ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को माइक देकर साथ गाने के लिए कहा, जिसमें तेजस्वी यादव गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। बता दें, ये समारोह औरंगाबाद के देव में हुआ था। अभिजीत के साथ तेजस्वी यादव ने बॉलीवुड फिल्म अंजाम का गाना बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, ये गाना गाया था, जिसके बाद से तेजस्वी यादव को बीजेपी लगातार ट्रोल करती दिख रही है।